काफी छोटू सा ये देखो, मैं बोल सकती हूँ शौकीन पर्स है, सिर्फ दिखावे के लिए पर्स है। जैसे शादी उदी हुआ उसमें आप लोग ले जा सकते हो। और इसमें देखो कितनी अच्छी बात है, आप लोग ये चैन से भी कवर कर सकते हो। अब हम आ चुके हैं ये पर्स के लिए डिटेल में बताने के लिए। ये पर्स हमने लिया था गोवा में और ये काफी मस्त मुझे लगा। ये मतलब जहां पर जाओगे कुछ जीन्स वगैरह में वेयर करोगे तो ये काफी अच्छा लगेगी। और इसकी प्राइस की बात, हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसा आप लोग, आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पर जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं अपना बैग का कलेक्शन। मेरे पास कितने सारे बैग है तो मैं सोच रही थी आप लोगों से शेयर करूं क्या क्या प्राइस में है। तो चलो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना। ये हमारा बैग है, देख लो इतने सारे है। अभी अच्छे से दिखाऊंगी तब आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलो आप एक एक करके दिखाते हैं और प्राइस भी बताते हैं। तो चलो अब मैं सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो ये सबसे पहले व्हाइट कलर का बैग आ जाता है जो कि इसमें एक चैन मिलता है, एक चैन है और भीतर में भी है जो नॉर्मली सब में रहता है इसमें। हाँ अभी छोटा है, अपने छोटू सा कुछ भी छुपा के रख सकते हो और आप लोग ऐसे कभी कवर कर सकते हो या फिर ऐसे टांग भी सकते हो। तो इसका प्राइस बता देती हूँ, इसका प्राइस लिया है 1200 रुपये। तो काफी दिन हो गए तो अच्छा लग रहा है ना, देखो कलर नहीं गया है, काफी अच्छा है। तो ये पर्स एक हो गया और ये तो जानते ही हो, ये मैंने दीघा से लिया था और इसमें कुछ है लग रहा है। हाँ इसमें इयररिंग दिख रहा है। तो इसमें ये मैंने दीघा से लिया था, ये काफी अच्छा है और इसका प्राइस लिया था हमारा 222 रुपीज, ऐसे ही कुछ लिया था। तो ये काफी अच्छा है गाइस, ये पंजाबी सूट में काफी अच्छा है, चल जाता है। और अब आ गया हमारा ये नेवी कलर का है, नेवी ब्लू कलर का। सो इसमें देखो पर्स में क्या है, ये आप लोग को एक चैन मिल जाएगा जो कि सब पर्स में एक एक चैन रहता है और इसमें भी एक चैन है। और इसमें वो छुपाने वाला चैन नहीं दिया है, सिर्फ एक ही चैन है जो कि हम इसे ऐसे कवर करके रख सकते हैं और ऐसे टांग के वेयर कर सकते हैं, उसमें ये फीता वाला भी नहीं है। इस पर्स का प्राइस है 900। तो ये काफी अच्छा है गाइस, देख लो ये मेरा पर्स कैसा लग रहा है। और अब तीसरे पे चलते हैं। तो ये क्वालिटी का पर्स मेरे पास दो दो है, बिकॉज एक मेरी सिस्टर का है और एक मेरा है। ये मेरा है, ये मेरी सिस्टर का है, जब मैंने लिया था तो व्लॉग भी बनाया होगा। तो ये देख सकते हो इसका प्राइस लिया था हमारा 900 की 800 ऐसे लिया था, मुझे उतना याद नहीं है, पर क्वालिटी काफी अच्छा है। मैं अपना ये ऐसे दिखाती हूँ और देखो ये वाटर प्रूफ है, ऐसे खराब भी नहीं होने वाला है। और दो सिस्टम है, एक आप लोग चैन से ऐसे हाथ से वेयर कर सकते हो, पकड़ सकते हो, और एक फीता का है ऐसे टांग कर आप लोग स्टाइल कर सकते हो। और इसमें चैन की बात करें तो एक चैन तो स्टार्टिंग में सबसे एक चैन ही रहता है और भीतर में पॉकेट का पता चलता है। तो चैन भीतर में भी है, आप लोग देख सकते हो। और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्राइवेट चैन दिया हुआ है पॉकेट और कुछ भी नहीं है, बाकी खाली है, ऐसा ही है, दोनों सेम है, आप लोग देख सकते हो। अब नेक्स्ट पर्स की ओर चलते हैं। सो ये एक पर्स है, काफी छोटू सा, ये देखो मैं बोल सकती हूँ शौकीन पर्स है, सिर्फ दिखावे के लिए पर्स है। जैसे शादी उदी हुआ उसमें आप लोग ले जा सकते हो। और इसमें देखो कितनी अच्छी बात है, आप लोग ये चैन से भी कवर कर सकते हो या फिर आप लोग ऐसे भी, ऐसे ही ज्यादातर तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही ज्यादा अच्छा लगता है साड़ी वगैरह में। और ये पर्स देख सकते हो कितनी मस्त है। और इसका प्राइस लिया था 1200 के समथिंग, ऐसे ही कुछ लिया था। सो और एक चैन, इसमें तो एक ही चैन होती है, मैंने जो लिया एक ही चैन है और ये ऐसे बंद भी हो जाती है, कितनी छोटू सा है, काफी मस्त है। और हाँ जी अब हम आ चुके हैं ये पर्स के लिए डिटेल में बताने के लिए। ये पर्स हमने लिया था गोवा में तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये पर्स देखो कैसे है, दो चैन है इसमें और इसमें काफी चीजें अट जाती है, इसमें बहुत ज्यादा जगह है, बहुत ही ज्यादा। मैं जब आई थी ना गोवा से तो उसमें फ्लाइट में भर के पूरा बहुत सारा चीज लेकर आई थी। सो और इसकी, और हाँ इसकी प्राइस बता दे तो इसका प्राइस 500 लिया था। तो आप लोग सोच सकते हो इतना एक्सपेंसिव जगह गोवा से मैंने 500 में ये पर्स लिया, तो कितना ये बात है, नहीं तो 500 में नहीं मिलता है आजकल कुछ भी। सो ये देख सकते हो। और इसका खासियत क्या है ना, इसके ऊपर जाली लगा हुआ है, ये है फिर एक जाली लगा हुआ है, देन ये कपड़ा देख रहे हो ऐसे है। तो ये पर्स कभी खराब नहीं होने वाला है, ये गिर जाए तो अलग बात है पर अभी तक नहीं गिरा है। मैं गोवा से कितना दिन हो गया आए हुए। सो चलो अब दूसरा दिखाते हैं। और ये पर्स देख लो गाइस कैसी लग रही है, आप लोग बताओ, कितनी छोटू सा है ना पर ये बहुत बड़ा काम करती है। कैसे बता देती हूँ, सबसे पहले देखो यहाँ पर चेन दी हुई है, पीछे पॉकेट है और इसको यहाँ से हम लोग ये कर देंगे स्वेस। यार खुल नहीं रही है, ऐसे होगा। इसकी खासियत क्या है ना, इसका देखो ये देखो ऐसे रहेगी, आप लोग ऐसे घुमाओगे बस ये खुल गया।
और इसमें देखो कितना चैन दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, एक चैन यहाँ है, एक चैन है यहाँ, और एक पीछे भी दिया है, कितना अच्छा है ना। और फिर हम इसको बंद करके इसको लॉक कर देंगे और फिर हम इसे लेकर जा सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें तो 600 लिया है इस प्राइस इस बैग का, तो काफी अच्छा लग रहा है। कैसा सो ये एक पर्स देख सकते हो गाइस, ये मेरी बोल सकते हो तो मेरा फेवरेट पर्स है, और इसका नाम भी मैंने रखा हुआ है काउ बैग। देखने में ये बिल्कुल काउ की तरह व्हाइट एंड ब्लैक है, सो इसलिए इसका मैंने काउ बैग रखा, और ये काफी अच्छा लगता है मुझे। मैं ये पर्स को काफी ज्यादा बार यूज कर चुकी हूँ, और क्या बोल सकती हूँ, चलो इसका हम डिटेल दिखाते हैं। इसको मैं सबसे पहले ऐसे टांग सकती हूँ और ऐसे भी ले सकती हूँ, जींस टॉप में काफी अच्छी लगती है ये, और ये मेरा फेवरेट है, आप लोगों को तो बताया है। और इसके चैन देखो, एक चैन खोला तो ऊपर इसमें इसके अंदर बहुत सारा चैन, इसके अंदर काफी चैन, एक चैन है और इसके ऊपर एक चैन है, तो ये काफी अच्छा बैग है। जितने भी पर्स देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा पर्स मैंने ये यूज किया है और एक अपना ये वाला यूज किया है, दो ही पर्स यूज किया, बाकी सब पर्स मैंने एक दो बार यूज करके ऐसे रख दिया, पर ये दोनों फेवरेट है, मुझे अच्छा भी लगता है थोड़ा क्लासिक भी लगता है। तो इसकी प्राइस मैं बता देती हूँ, इसका प्राइस लिया है 1500 रुपये और काफी अच्छा है गाइस, मेरा फेवरेट है। चलो दूसरा दिखाते हैं। और हाँ ये देखो पर्स की कंडीशन, ये टूटी हुई है मेरे को अभी दिख रही है, और ये भी व्हाइट कलर का ही है, और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसको 800 रुपया लिया था प्राइस, और ये बस ऐसे ही देख सकते हो, इसको मैं ज्यादा शेयर नहीं करूंगी, इसमें चेन भी नहीं है, बस ऐसे लगा दो। और ये व्हाइट कलर पर्स तो सब चीज में चल जाता है, जींस टॉप बोल लो, सूट बोल लो, सो ऐसे मैं लेकर जाती थी, देखो टेन टेन। और इसकी प्राइस तो बता ही दिया। और सबसे लास्ट बैग ये देख लो, ये मेरी फ्रेंड ने लाई थी और मैं अभी तक इसको यूज नहीं की हूँ, ऐसे ही न्यू रखा हुआ है, क्या करूं, एक ही पर्स में यूज करते रहती हूँ करते रहती हूँ, तो इसका प्राइस मुझे सच में नहीं पता है, क्योंकि मैंने नहीं लिया है, मेरे को गिफ्ट दिया गया है, सो काफी अच्छा है, मैं किसी दिन इसको भी यूज करूंगी। ये देख लो चैन है बड़ा सा, इसमें भी बहुत सारा चीज आ सकते हैं। तो गाइस कि आप लोग हमारे ये बैग का कलेक्शन अच्छा लगा होगा, तो अगर आप लोग को और भी मेरा कलेक्शन देखना है, ज्वेलरी हो गया, ड्रेस हो गया, सैंडल हो गया, बहुत सारे चीजें मेरे पास, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोग को कलेक्शन दिखा सकती हूँ अपना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।